plus z equal to 0. So that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. अब इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. सॉल्यूशन वी दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz. बोलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है. x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब देखिए आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है. जीरो दिया हुआ है. तो लिख दीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो. वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो. जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz. जीरो इंटू सम वैल्यू क्या होता है बताइए. जीरो. जीरो इंटू सम वैल्यू जीरो होता है. Yes. जीरो इंटू सम वैल्यू जीरो होता है. तो जीरो इंटू सम वैल्यू जीरो हो गया. अब माइनस 3xyz को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा. 3xyz. यही हमें प्रूव करना था. यस सर. इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz. तो हमने दिखा दिया यहाँ पर कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz होगा. वेरीफाइड. इसको नोट करिए. अब हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे. ये x plus y plus z का वैल्यू जीरो होता है तो x cube plus y cube plus z cube 3xyz के इक्वल होता है. ठीक है. तो आप इसे एक इसको हम नाम देंगे कंडीशनल आइडेंटिटी. इफ x plus y plus z इक्वल टू जीरो देन x cube plus y cube plus z cube इक्वल टू 3xyz. ठीक है. कंडीशनल आइडेंटिटी का नाम इसको दिया जाएगा.
क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू फर्स्ट और क्वेश्चन हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं तुम सेकंड बनाओगे हमें वैल्यू निकालना है माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब ऑफ 7 प्लस क्यूब ऑफ 5 अब देखिए अभी जो हमने किया इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz उसी का करेंगे देखो क्या कर रहे हैं लेट एक्स इक्वल टू माइनस 12 ठीक है माइनस 12 का हमने एक्स मान लिया वाई इक्वल टू 7 वाई को हम 7 को हमने वाई मान लिया एंड जेड इक्वल टू 5 जेड को हमने 5 मान लिया अब इसको हम ऐड कर देते हैं साइड हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू देखो राइट हैंड साइड क्या हो जा रहा है 5 प्लस 7 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो गया अब बताइए अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अब हम x y z का वैल्यू यहां पे पुट कर दें x हमने लिया है माइनस 12 को तो माइनस क्यूब ऑफ माइनस 12 y हमने लिया है 7 को तो क्यूब ऑफ 7 z हमने लिया है 5 को तो क्यूब ऑफ 5 माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इनटू x x का वैल्यू माइनस 12 इनटू y का वैल्यू 7 इनटू z का वैल्यू 5 साइन हो जाएगा इसमें से 12 का साइन नेगेटिव है अदर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव साइन हो जाएगा और बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो ए हो गया साइन लिख दिया माइनस और 12 इनटू 3 36 और ए हो जाएगा 35 36 और 35 को मल्टीप्लाई करके लिख दो यहां पर इस तरह से माइनस और सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए That is the value of minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. Complete it. फैक्टराइज हमें करना है x माइनस y होल क्यूब प्लस y माइनस z होल क्यूब प्लस z माइनस x होल क्यूब अब इसके हम क्या कर रहे हैं देखो x माइनस y को हम a मान ले रहे हैं लेट a इक्वल टू x माइनस y b इक्वल टू y माइनस z एंड c इक्वल टू z माइनस x और ये सभी को हम ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया ए प्लस बी प्लस सी राइट हैंड साइड में देखो एक्स माइनस एक्स जीरो वाई माइनस वाई जीरो जेड माइनस जेड जीरो तो राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो गया therefore a cube plus b cube plus c cube equal to बोलो अब जब a plus b plus c का वैल्यू 0 हो गया तो a cube plus b cube plus c cube का वैल्यू क्या होगा 3abc 3abc अब हम abc का वैल्यू पुट कर दें a हमने लिया है x minus y को तो cube of x minus y प्लस बी हमने लिया है वाई माइनस जेड को तो क्यूब ऑफ वाई माइनस जेड
सी हमने लिया है जेड माइनस एक्स को, तो क्यूब ऑफ जेड माइनस एक्स इक्वल टू थ्री ए बी सी, थ्री इंटू वैल्यू ऑफ ए एक्स माइनस वाई इंटू वैल्यू ऑफ बी वाई माइनस जेड इंटू वैल्यू ऑफ सी जेड माइनस एक्स। तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब का फैक्टर हो गया थ्री इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब इसी पैटर्न पे आप नंबर टू बनाएं, इसको नोट करने के बाद नंबर टू बनाएं। अब आपके आपको करने के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके सर, फैक्टराइज, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब इसको कर लेंगे फैक्टराइज ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब, ये आपसे हो जाएगा। और सिमिलर क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब, दोनों सिमिलर हो गया, ऐसा क्वेश्चन आपको बता दिया गया। अब इसी के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन दे दिया हमने, सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यू प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यू डिवाइड बाय ए माइनस बी होल क्यू प्लस बी माइनस सी होल क्यू प्लस सी माइनस ए होल। इस दोनों को पहले फैक्टराइज कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देंगे रफ में जाए कहीं भी, करने के बाद काफी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर फॉर्म लिख देंगे। फैक्टर फॉर्म लिखने के बाद कुछ फैक्टर जो कॉमन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया, नोट डाउन दिस। कर लिया।